नमस्कार दोस्तों, अब हम रसायन विज्ञान का पाठ कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों की त्रिविमी सूत्र, आणविक मॉडल, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमी सूत्र। कागज पर कार्बनिक यौगिकों की त्रिविमी यानी 3D सूत्र में कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ द्विविमी संरचना को त्रिविमी संरचना में देखने के लिए ठोस तथा डैश वेज सूत्र का उपयोग किया जाता है। इन सत्रों में ठोस वेज उस आबंध को दर्शाता है जो कागज के तल से दर्शक की ओर प्रक्षेपी है और डैश वेज विपरीत दिशा में अर्थात दर्शक के दूर जाने वाले आबंध को दर्शाता है। कागज के तल में स्थित आबंध को साधारण रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में मिथेन अणु का त्रिविमी सूत्र दर्शाया गया है। आणविक मॉडल। कार्बनिक अणुओं के त्रिविमी आकृति आणविक मॉडलों की सहायता से भली भांति समझा जा सकता है। लकड़ी या प्लास्टिक या धातु के बने ये मॉडल बाजार में उपलब्ध होते हैं और ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। सामान्यतः तीन प्रकार के आणविक मॉडलों का उपयोग किया जाता है, फ्रेमवर्क अर्थात ढांचागत मॉडल, बॉल तथा स्टिक अर्थात गेंद और छड़ी मॉडल तथा स्पेस फिलिंग अर्थात स्थानीय पूरक मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल अणु में केवल आबंधों को दर्शाता है, इसमें परमाणु नहीं दिखाए जाते। यह मॉडल अणु के परमाणुओं के आकार की अनदेखी करते हुए आबंधों का प्रारूप दर्शाता है। बॉल तथा स्टिक मॉडल में आबंध तथा परमाणु दोनों को दर्शाया जाता है। बॉल परमाणु को दर्शाते हैं जबकि स्टिक आबंध को दर्शाती है। असंतृप्त अणुओं को दर्शाने के लिए स्टिक के स्थान पर स्प्रिंग प्रयुक्त हो सकता है। स्पेस फिलिंग मॉडल में प्रत्येक परमाणु का अपेक्षित आकार प्रदर्शित किया जाता है जो उसकी वैन डेर वाल्स त्रिज्या पर आधारित होता है। इस मॉडल में आबंधित नई दर्शाए जाती है। यह अणु में प्रत्येक परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन को प्रदर्शित करता है। इन मॉडलों में अतिरिक्त आणविक मॉडल के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों की वर्तमान बड़ी संख्या और बढ़ती हुई संख्या के कारण इन्हें संरचनाओं के आधार पर वर्गीकृत करना आवश्यक हो गया है। कार्बनिक यौगिकों को मोटे तौर पर इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, अचक्रीय अथवा वितरित श्रृंखला यौगिक, चक्रीय अथवा बंद श्रृंखला अथवा वलीय यौगिक। चक्रीय यौगिक में दो प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बोचक्रीय अथवा समचक्रीय यौगिक और विषमचक्रीय यौगिक। कार्बोचक्रीय यौगिक में दो प्रकार के होते हैं, एलीसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। अब एरोमेटिक प्रकार में दो होते हैं, जैसे बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड यौगिक। अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक। इन यौगिकों को एलिफैटिक भी कहा जाता है, जिनमें सीधा या शाखित श्रृंखला यौगिक होता है, जैसे इस प्रकार से इथेन, फिर आइसोब्यूटेन, फिर एसिटाइल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल। एलिसाइक्लिक यौगिक या बंद श्रृंखला या वलय यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिकों में कार्बन परमाणु जुड़कर एक समचक्रीय यानी होमोसाइक्लिक वलय बनाते हैं। कभी कभी वलय में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु जुड़कर विषमचक्रीय वलय बनाते हैं। इस प्रकार के यौगिक कुछ उदाहरण में इस प्रकार है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये एलिफैटिक यौगिक के समान कुछ गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक का विशेष प्रकार से एक यौगिक है, इसमें बेंजीन तथा अन्य संबंधित चक्रीय यौगिक बेंजीनॉइड सम्मिलित है। एलिसाइक्लिक यौगिक के समान एरोमेटिक यौगिकों के वलय में विषम परमाणु हो सकते हैं। ऐसे यौगिकों को विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है।
इन यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं बेंजीन एरोमेटिक यौगिक जैसे बेंजीन एनिलीन और नेप्थलीन, ए बेंजेनॉइड यौगिक जैसे ट्रोपोलिन और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक जैसे फ्यूरान, थायोफीन और पिरिडीन। कार्बनिक यौगिकों को क्रियात्मक समूहों के आधार पर सजातीय श्रेणियों यानी होमोलोगस सीरीज में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों में अभिलक्षणिक साइक्लोप्रोपेन साइक्लोहेक्सेन रसायन गुणों के लिए उत्तरदायी होता है उसे क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उदाहरणार्थ हाइड्रोक्सिल समूह, एल्डिहाइड समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह आदि। सजातीय श्रेणियां कार्बनिक यौगिक में समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो सजातीय श्रेणी बनाती है। इनके सदस्य को सजात यानी होमोलोगस कहते हैं और ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। सजातीय श्रेणी के सदस्य को एक समान सत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके क्रमगत सदस्यों के अणुसूत्रों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है। कार्बनिक यौगिकों की कई सजातीय श्रेणियां हैं। इनमें से कुछ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल सामान्य नाम रखना आवश्यक हो जाता है। कुछ कार्बन कार्बनिक हैलाइड, एल्केनॉल, एल्केनेल, एल्केनोन, एल्केनाइक अम्ल यौगिकों के समान नाम सारणी में दिए गए हैं। कार्बनिक रसायन लाखों कार्बनिक यौगिकों से संबंधित है। उनकी स्पष्ट पहचान के लिए यौगिकों के नामांकन की एक सुव्यवस्था विधि विकसित की गई है जिसे IUPAC विधि कहते हैं। इस सुव्यवस्थित नामांकन प्रणाली में यौगिकों के नाम को उसकी संरचना से सह संबंधित किया गया है जिससे पढ़ने या सुनने वाला व्यक्ति यौगिक के नाम के आधार पर उसकी संरचना उत्पन्न कर सके। IUPAC पद्धति से पूर्व कार्बनिक यौगिकों का नाम उनके स्रोत अथवा किसी गुण के आधार पर दिया गया था। उदाहरणार्थ सिट्रिक अम्ल का नाम उस टाइम सिट्रस फलों में पाए जाने के कारण दिया गया था। लाल चींटी में पाए जाने वाले अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल दिया गया क्योंकि चींटी के लिए लैटिन शब्द फॉर्मिका है। यह नाम पारंपरिक है, ये रूढ़ अथवा सामान्य नाम कहलाते हैं। वर्तमान समय में भी कुछ यौगिकों के सामान्य नाम दिए जाते हैं। उदाहरणार्थ कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त कार्बन के एक नवीन रूप C60 गुच्छे का नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन रखा गया क्योंकि इसकी आकृति जियोडेसिक डोम से मिलती जुलती थी। प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुशिल्पी आर बकमिंस्टर फ्लोर ने इन्हें लोकप्रिय बनाया था। कुछ यौगिकों से संबंध में IUPAC नाम अधिक लंबे अथवा जटिल होते हैं, इस कारण भी उनका सामान्य नाम रखना आवश्यक हो जाता है। कुछ कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नाम सारणी में दिया गया है। इस वीडियो में हमने सीखा कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमी सूत्र, आणविक मॉडल, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के आगे के भाग को। धन्यवाद।